साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे एमआर 208 सब्जेक्ट के चैप्टर 5 यानी सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट एड फॉर पर्सन रिसीव्ड शॉक ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स यानी विद्युत दुर्घटना में झटका लगे व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करते हैं। साथियों, सेफ्टी रूल्स एंड प्रिक्योशंस के लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क से रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको बताया था। उद्योगों में कहीं पर भी जहां विद्युत का कार्य या विद्युत मशीनों इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे कार्य होता है वहां पर पूर्ण सावधानी बरती जाती है, फिर भी किसी कारण से लापरवाही की वजह से या किसी मशीन के फॉल्ट की वजह से दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। आज हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसका घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करते हैं, यानी विद्युत दुर्घटना में झटका लगे व्यक्ति का प्राथमिक उपचार, यही आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि मैं आपको ये बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो अपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एमआर 208 का जो पेपर होता है थ्योरी पेपर, उसमें भी इस विषय पर इस टॉपिक पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं विद्युत दुर्घटना में झटका लगने पर व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करते हैं। साथियों, इसके अंदर स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन स्टेप्स का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि व्यक्ति की हालत किस प्रकार की है और उसको उसी अनुसार उपचार करेंगे। सबसे पहले बिजली के तार से चिपके व्यक्ति को बचाने के लिए सप्लाई लाइन यानी जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब कोई भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित दुर्घटना होती है। इसके बाद में मेन स्विच बंद होने के बाद ही चिपके व्यक्ति को तार से हटाना चाहिए। कई बार ये ऐसी स्थिति होती है कि जो मेन सप्लाई है वो काफ़ी दूर होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि मेन स्विच बहुत दूर हो तो उस व्यक्ति को इंसुलेटेड रोड यानी विद्युत रोधी छड़, कंबल या किसी सूखे कपड़े से पकड़कर तार से दूर करना चाहिए या फिर अपने आप को विद्युत रोधी करके उस व्यक्ति को पकड़कर तार से दूर करना चाहिए और उसके बाद उसे खुली हवा में ले जाना चाहिए। साथियों, इसमें आपने देखा कि या तो वो व्यक्ति है उसको किसी विद्युत रोधी छड़ से छुड़ाना चाहिए या फिर अपने आप को विद्युत रोधी करते हुए और हाथ से पकड़ के उस व्यक्ति को छुड़ाया जा सकता है। तार से छुड़ाने के बाद में यदि ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब इलेक्ट्रिक शॉक के कारण दुर्घटना होती है तो उसमें स्पार्किंग होती है और कपड़ों में आग भी लग जाती है, तो यदि व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई हो तो उसके ऊपर कंबल डालकर
या कोई ऐसी वस्तु डालकर जिससे कि उसका वायु से संपर्क कट जाए, आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में पांचवा स्टेप है, यदि व्यक्ति बेहोश हो गया हो, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर थोड़ा टाइम लग गया इलेक्ट्रिकल शॉक में, स्विच लाइन ऑफ करने में या किसी कारण से, तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। यदि वह व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो उसके पैर से जूते व मोजे उतार देने चाहिए, उसकी शर्ट के सभी बटनों को खोल देना चाहिए, यानी उसके ऊपर के जो वस्त्र हैं वो भी उतार देने चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति को जमीन या किसी कठोर बिस्तर पर चित यानी कमर के बल, पीठ के बल लेटा देना चाहिए तथा उसके हाथों को शरीर के लंबवत कर देना चाहिए। यदि उसके मुंह में झाग निकलने शुरू हो गए हों तो यह समझना चाहिए कि निश्चित ही उसकी हालत गंभीर है। ऐसी स्थिति में तुरंत कृत्रिम श्वास यानी आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देनी चाहिए। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के भी कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सुगम विधि है वो है मुंह से मुंह की विधि। तो उसको कृत्रिम श्वास तब तक देना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि उसके साथ और क्या-क्या हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर हल्के घाव या जले जाने के घाव हों तो उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर हल्के घाव जैसे कट, चोट या जलने के निशान आदि भी हो सकते हैं। कट के चारों ओर स्प्रिट से भीगी हुई रुई से धूल को हटाना चाहिए तथा वहाँ जो भी फर्स्ट एड उपलब्ध है, टिंचर आयोडीन या और कोई मलहम लगाकर पट्टी बांध दें। चोट लगे स्थानों पर साफ पट्टी बांधकर बर्फ या ठंडे पानी की थैली रखें और जले हुए स्थान पर वैसलीन या बर्नोल लगाएं तथा जलने से, इसमें विशेष सावधानी की बात है, जलने से बने फफोलों को न तो काटें और न ही दबाएं, यानी जैसे हैं वैसे ही रहने दें। इसके बाद में जो सातवां पॉइंट है वो है, यदि मान लो उसके हाथ या पैर कहीं से खून बह रहा हो तो सबसे पहले उस खून को बंद करना चाहिए, यानी उस हाथ या पैर को ऊपर करके जख्म को कसकर बांध दें जिससे जो खून बहना है वो रुक जाएगा। और फिर उस हिस्से के जख्म के ऊपर यानी जो घाव है उसके ऊपर किसी अन्य कपड़े या तौलिए को कसकर बांध देना चाहिए। और इसके बाद में जितना जल्दी हो सके उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में मैंने या हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण कोई व्यक्ति व्यक्ति करंट लग जाता है और उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसे घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद में ही उसको अस्पताल पहुंचाने का जितना जल्दी हो सके प्रबंध करना चाहिए। इस टॉपिक में आज इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।